यस स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज पेज 31 स्टार्ट करेंगे। बी क्वेश्चन से स्टार्ट है। ईद उल फितर इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़ा इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। ईद उल अज़ा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सेक्रीफाइस। डैश कैन जॉइंटली बी सेक्रीफाइस लैम्ब, ठीक है। उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन है, ये आपने गिनी हुई अशिया और ना गिनी हुई अशिया, ये आपने दोनों अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसी तरह लिखनी है, मिड में लाइन लगा के, एक साइड पे काउंटेबल एक साइड पे अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद आपने पेज नंबर 33 ओपन करना है, ठीक है। पेज नंबर 33 में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपने इसी तरह लिखनी है अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। माई आंट इज़ यूजली इन अ ग्रेट हरी। My father sometimes take us out from dinner. Ahmed regularly want to play cricket on holiday. My sister rarely helps mother in the household work. Eid is always a happy occasion for the poor people. ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज 37 ओपन करना है। अब इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं ईद उल फितर ईद उल अज़ा के, सेपरेट सेपरेट करने हैं, ठीक है। अब ईद उल फितर में फर्स्ट सेंटेंस है वो ईद उल फितर है, सेकंड ईद उल अज़ा है, थर्ड ईद उल फितर है, फोर्थ ईद उल अज़ा है, फिफ्थ ईद उल फितर है, सिक्स ईद उल अज़ा है, सेवन्थ ईद उल फितर है और एट्थ ईद उल अज़ा है, ठीक है। ये सेपरेट करके आपने अपनी बुक्स के ऊपर ही इन इन कॉलम में दोनों में लिखने हैं, ठीक है। आपने लिखने हैं सेपरेट करके, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, अब आपने लिखना खुद है इसमें, ठीक है स्टूडेंट।